आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 12 जुलाई की श्रमदान की। ये एक दिन आपको लेट मिल रहा है, तो ये परमपिता परमात्मा का वरदान हमें लौकिकता और अलौकिकता दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। लौकिक होके हम किसी के साथी संबंधी हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, और अगर हम उनको ही सिर्फ इम्पोर्टेंस दें और अगर वो कुछ गलत करें तो उनको हम बचाने की कोशिश करें और लॉ के अनुसार अगर हम आगे ना बढ़ें तो फिर वो लौकिकता आ जाती है। अलौकिकता में हम देखते हैं संस्कारों को, आत्मा को मतलब, या उसके मन बुद्धि संस्कार को, और फिर राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन वही हम बनाते हैं। उनके साथ संबंध भी हमारे अलग होते हैं और साथ ही साथ हम कोई स्पेशल फेवर्स नहीं करते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में कि लौकिक वृत्ति मतलब एटीट्यूड, दृष्टि मतलब देखने का तरीका का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भवा। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख आत्मा को देखो। कोई अगर पिता माता भाई बहन हो गए तो उनको अगर हम भाई बहन माता पिता चाचा मामा काका इनको अगर इन संबंधों से देखें और फिर उनके साथ अगर हमारा मोह हो तो हम फिर सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी हम गलत निर्णय करते हैं जिससे कि औरों को नुकसान होता है। अगर हम सोचते हैं नहीं इसको, इस व्यक्ति को या इस मेरे रिश्तेदार को ये होना चाहिए, ये भला होना चाहिए, तो कभी कभी हम गलत सलाह भी दे सकते हैं क्योंकि हम उसको अपना संबंधी समझ करके ये सलाह देते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हमें आत्मा को देखना है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा, क्योंकि हर आत्मा के अपने संस्कार हैं। वो अपने संस्कार, अपनी सोच, अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी प्राप्तियाँ कर रही हैं। वो क्योंकि मेरा साथी संबंधी है इसलिए उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इस परिवार का है या वो इस जात का है या इस धर्म का है, इसलिए उसके साथ में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो हमें कन्फ्यूज़ करके रखता है। हर आत्मा अपने संस्कारों अनुसार, अपनी सोच अनुसार, अपने बोल अनुसार वो अपना प्राप्ति करती है और उसको अपना फल मिलता है, चाहे फिर वो जिस भी जात की हो, जिस भी धर्म की हो, जिस भी फैमिली ट्री की हो, वो आत्मा इस पर निर्भर नहीं है। परमात्मा ये कहते हैं कि यह आत्मा बेचारी परवश है। उसको क्रोध आता है, अहंकार आता है, अभिमान आता है, ईर्ष्या घृणा आती है, उसका मूड स्विंग होता है, उसको डिप्रेशन है, ये सब कुछ है, परवश है, अज्ञान में है, अज्ञान है, अनजान है, उसको पता नहीं कि वो जो कर रहा है या कर रही है वो ठीक है कि नहीं है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। मतलब कि अगर कोई आत्मा अनजान में कोई कर्म कर रही है जिससे कि और को नुकसान हो रहा है या ठेस पहुंच रही है, स्वयं हमको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है इससे, उनके बिहेवियर से, उनके तौर तरीके से, उनके नेचर से, तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखिए, क्योंकि वो अज्ञानता में अनजान है। वो आप कहेंगे कर्मों का ज्ञान तो सबको होता है कि राइट कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, वो तो सही है, लेकिन परमात्मा से ना जुड़ने कारण हम आत्माओं के अंदर शक्ति नहीं होती है कि जिस समय हम जो कर्म कर रहे होते हैं उसको हम परख पाए कि वो राइट है कि रॉन्ग है। इसकी समझ हमें परमात्मा तब दे पाते हैं जब हम अपने आप को पहचानते हैं और उनको पहचानते हैं और फिर देह के अभिमान को अलग करके आत्माभिमानी होकर के कर्म करते हैं। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञानी आत्माएं बदले लेने की भावना, अभिमान में आना, लोभ में आना और उसे ईर्ष्या रखना, घृणा नफरत रखना, ये वो कर सकती हैं आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए, उनको भी फील होना चाहिए कि ये जिस तरीके से बिना काम करोड़ लोगों करके जी रहे हैं, कितना अच्छा जीवन है, कितना सुखद जीवन है इनका, ये कितने शांत स्वरूप हैं, हमें देख करके उनको भी इच्छा हो कि हम भी ऐसे बने। समय लगता है इस परिवर्तन को लाने में, क्योंकि इसमें आप मुख से कुछ बोलोगे नहीं, आप एक्शन से हर चीज़ दिखाओगे कि शांति से बिना रिवेंज लिए हुए, बिना बदला लिए हुए भी इंसान जी सकता है। तो इसी चीज़ को, इसी ज्ञान को अगर आप सीखना चाहते हैं तो ब्रह्म कुमारी इसमें आइए और इस ज्ञान, इस विद्या को लीजिए। ओम शांति के साथ।